हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मेड ग्लो विद पोम्पा में। मैं पोम्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार इस चैनल पे। आज मैं आ गई हूँ ओशिया हर्बल की स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फेशियल किट की रिव्यू लेके और उसके साथ साथ ट्यूटोरियल। इसकी MRP है 225, ऑनलाइन में और भी कम में मिल जाएगा आपको। तो ये है हमारी मॉडल और आप लोग यहाँ पे इनके कम्प्लेक्शन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है। इस फेशियल किट में हमें 6 सैचेट मिला है और उसमें ये पहला है जो क्लेंजिंग का पार्ट है। तो पहले ही मैंने फेस को बहुत अच्छे से एक वेट टिश्यू के मदद से फेस को क्लीन कर लिया था। उसके बाद जो क्लेंजिंग मिल्क यहाँ पे मिला है उसको मैंने बहुत अच्छे से फेस के ऊपर लगाया। इसको जेंटली हम लोग 3 से 4 मिनट तक मसाज करेंगे ताकि बहुत अच्छे से हमारे फेस क्लीन हो जाए। यहाँ पे देखिए, क्लेंजिंग में कोई भी मसाज स्ट्रोक देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो जनरल स्ट्रोक होते हैं वैसे ही हम लोग जनरल स्ट्रोक के साथ 3 से 4 मिनट मसाज करेंगे और 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद इसको वाइप आउट कर लेंगे। जब तक इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं उसी दौरान आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। कभी कभी हमारे इस वीडियो में बहुत पुराने वीडियो में कमेंट्स आते हैं जो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए जिसके कमेंट मैंने अभी तक नहीं दिया है उसके लिए सॉरी। तो चलिए, कमेंट का भी एक सेक्शन Q&A मैं बहुत जल्द लाऊंगी ताकि आप लोग के सारे क्वेश्चन की आंसर मैं दे पाऊँ। तो अब है सेकेंड पार्ट की बारी। यहाँ पे मिल रहा है मुझे एक सैचे जिसमें है स्क्रब। तो स्क्रब को मैंने ले लिया हाथों में और ऑल ओवर फेस में बहुत अच्छे से हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से इवेंटली ये हमारे फेस के ऊपर लग जाए। उसके बाद सर्कुलर मोशन में गोल गोल हल्के हाथों से मसाज करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा रगड़ा रगड़ी नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे। बहुत ही जेंटली मसाज करनी है स्क्रब के साथ, क्योंकि अगर जब हम लोग स्क्रब करते हैं उस टाइम अगर हम लोग ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं तो हमारे स्किन में स्क्रैचेस आ जाते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसलिए हम लोग जब भी फेशियल के दौरान स्क्रबिंग करें या हम लोग नॉर्मली जब भी हमारे फेस के ऊपर स्क्रब करते हैं तो एक्सफोलिएटिंग के टाइम बहुत ही हल्के हाथों से एक्सफोलिएटिंग करना होता है ताकि हमारे स्किन में कोई भी स्क्रैचेस ना आए। तो मैंने यहाँ पे 3 मिनट किया है स्क्रब के साथ जेंटली मसाज, जैसे मैंने कहा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में। तो अब इसको वाइप आउट कर देते हैं। चलिए Step number 3 की बारी। Step number 3 में है एक जेल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जेल के सैचे में कोई भी जेल नहीं था और इसके कारण हम लोगों को Step number 3 को स्किप करना पड़ा क्योंकि उसमें जेल नहीं था। Step number 4 में आ गए हैं। Step number 4 में है मसाज क्रीम। तो अभी हम लोग मसाज करेंगे। स्किन को बहुत अच्छे से हमने वाइप आउट कर लिया था, स्क्रब का एक दाना भी रहना नहीं चाहिए जब हम लोग फेशियल मसाज करें। इस टाइम हमारे स्किन के साथ बहुत ही जेंटली बहुत ही अच्छे से मसाज करनी होती है ताकि जिसके ऊपर हम लोग फेशियल करें उनको भी बहुत ज़्यादा आराम मिले, एक मेंटली उनको रिलैक्सेशन मिले, उनको बहुत अच्छा लगे, ताकि ये फेशियल सिर्फ स्किन के साथ नहीं उनके ब्रेन के साथ भी रिलेट कर पाएँ कि हाँ मेरे स्किन में कुछ स्पेशल हो रहा है जिसके दौरान मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होने वाली है। और उसके साथ साथ ये मसाज के दौरान हमें बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है, बहुत ज़्यादा नींद भी आ जाती है। तो आपको फेशियल ऐसे मसाज देनी है ताकि उनको आराम मिले, उनको नींद आ जाए, ऐसे करके आपको फेशियल देना है। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग कैसे फेशियल स्ट्रोक दे रहे हैं। पहले भी आपने देखा है और आप लोग यहाँ पे भी बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे जब हम लोग फेशियल मसाज देते हैं तो हमारे जॉ लाइन बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट जमी हुई रहती है। इसलिए हमें ऐसे ही मसाज देनी है ताकि हमारे जो जॉ लाइन वो प्रॉपर दिखे और हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो। और उसके साथ साथ हम लोग ऐसे अपवर्ड मसाज देंगे ताकि हमारे स्किन में जो सैगिंग आ जाती है वो सैगिंग को हम लोग कम कर सकें। इसलिए हमेशा अपवर्ड मोशन में ऐसे हमें मसाज देनी है। तो ऐसे देखिए हम लोग यहाँ पे मसाज दे रहे हैं। कान के साइड में मसाज देना मत भूलिएगा, ये है जनरल स्ट्रोक। हम लोग जनरल स्ट्रोक के साथ 3 बार देके ऐसे मसाज को कंप्लीट करेंगे। अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे प्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ऐसे आप लोगों को प्रेशर पॉइंट देनी है। प्रेशर पॉइंट देने से हमारे जो
स्किन के सेल होते हैं वो बहुत अच्छे से रिजुविनेट होते हैं, वो उसके साथ साथ हमारे स्वीट ग्लैंड और उसके साथ साथ ऑयल ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। तो ये प्रेशर जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनको देना है, नॉर्मल स्किन वाले जो स्किन टाइप के लोग हैं उनको देना है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपकी स्किन में पिंपल्स है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो प्रेशर पॉइंट को इस समर के सीजन में आप लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे चिक के साइड से एक हाथ से पकड़ के नोज के एरिया से प्रेशर पॉइंट दे के फोरहेड में एंड कर रहे हैं। ऐसे ही आपको फेशियल में स्ट्रोक का इस्तेमाल करना है। जो लोग पार्लर नहीं जा सकते, घर में अपना खुद का फेशियल करना चाहते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से ध्यान दे के देखिए। इतने अच्छे से अगर ना भी हो पाए तो भी अगर आप लोग इस सारे फेशियल स्ट्रोक को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोग एक फेशियल अपने घर में भी कर सकते हैं पार्लर बिना जाए। यहाँ पे फेशियल स्ट्रोक को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे सारे अपवर्ड मूवमेंट में हम लोग मसाज कर रहे हैं ताकि हमारे स्किन में जो सैगिंग आ जाती है, जो 35 के बाद और भी ज़्यादा आते हैं, वो कम हो जाए। यहाँ पे देखिए एक हाथ से मैंने फेस को होल्ड करके दूसरे हाथों से अपवर्ड मोशन में मसाज दे रही हूँ। इससे हमारे स्किन टाइट हो जाएंगे, हमारे स्किन फर्म होंगे, हमारे स्किन की अपलिफ्टमेंट होगी, क्योंकि हमारे जो स्किन की टेंडेंसी होती है वो सैगिंग की टेंडेंसी होती है। और हम लोग जो मसाज देंगे वो अपवर्ड मोशन में मसाज देंगे ताकि हमारे स्किन सैगिंग ना हो, हमारे स्किन फर्म दिखे। यहाँ पे हम लोग थोड़े से ऐसे क्लैपिंग कर रहे हैं ताकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो। और इस क्रीम से मसाज करनी है 10 मिनट्स तक। उसके बाद देखिएगा पूरा क्रीम जो है वो हमारे फेस में एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद एक वेट टिश्यू के मदद से जो हमारे एक्सेस क्रीम है उसको रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद पोमोडोल के मदद से हम लोग हमारे स्किन में नोज एरिया के पास में जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं उसको क्लीन कर देंगे। इस प्रोसेस को भी ज़रूर करना है। और जब हम लोग क्रीम मसाज कर लेंगे उसके बाद करेंगे ताकि ये जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है ये स्क्रबिंग के बाद और क्रीम मसाज के बाद ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, तो आसानी से ये निकल के आ जाएंगे। अब बारी आती है स्टेप नंबर 5 की, जो है एक फेस मास्क। तो इसको हम लोग कट कर लेंगे और एक बोल में ले लेंगे। आप देखिए इसका क्वांटिटी जितना है एक फेस में यूज करने के लिए काफी है। अब चलिए इस फेस पैक को हम लोग को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। जब हम लोग फेशियल करेंगे और प्रोफेशनल वे में फेशियल करेंगे तब पैक भी जब हम लोग अप्लाई करेंगे बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। और इसको भी हम लोग अपवर्ड मूवमेंट में हम लोग इस पैक को अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे पैक अप्लाई कर रही हूँ वैसे ही आप लोग अप्लाई करना अपने फेस के ऊपर। या अगर आप लोग कोई लर्नर है, किसी के ऊपर फेशियल करना चाहते हैं, तो ऐसे ही आप लोगों को अप्लाई करनी है ताकि जो भी फेशियल करे और जिसके ऊपर करे दोनों के लिए ही ये राइट वे होगी, एक फेशियल करना और एक फेशियल करवाना। तो यहाँ पे फेशियल पैक को बहुत अच्छे से अप्लाई कर देंगे और इस फेशियल पैक को हम लोग रखेंगे 8-10 मिनट्स तक। बहुत अच्छे से मैंने फेशियल पैक को अप्लाई किया है, देखिए बहुत ही जेंटली, बहुत ही अच्छे से। ऐसा नहीं है इस पैक को जेंटली अप्लाई करने से आपकी कोई अलग से ब्राइटनिंग होने वाली है या स्किन में कोई यूट्यूब ग्लो होने वाली है, लेकिन बहुत अच्छे से अप्लाई करनी है और अपवर्ड मोशन में आपको अप्लाई करनी है। अब चलिए फेशियल रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। इस फेशियल को कोई भी कम्प्लेक्शन या कोई भी स्किन टाइप हो आप लोग इस फेशियल को कर सकते हैं। ये फेशियल ऑयली स्किन में, ड्राई स्किन में, कॉम्बिनेशन स्किन में, हर एक स्किन में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फेस पैक को हमें रखना होगा 8-10 मिनट्स तक, मैंने पहले भी कहा है। उसके बाद हाथों में थोड़ा सा पानी लेके बहुत हल्के हाथों से फेस में अप्लाई करके थोड़ा सा पैक को गीला करके एक वेट टिश्यू के मदद से आप लोग फेस पैक को पहले रिमूव कर दीजिए। उसके बाद पानी को चेंज करके बहुत अच्छे से फेस पैक को रिमूव करना है। बहुत अच्छे से फेस पैक रिमूव करने के बाद अब बारी आती है स्टेप नंबर 6 की, जहाँ पे है एक फेस सीरम। तो फेस सीरम को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है और उसको अप्लाई करने के बाद अगर आप लोग बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन यूज़ करना मत भूलिएगा, अगर घर पे रहते हैं तो कोई भी क्रीम यूज़ कर लीजिए। अब देखिए इस फेशियल की रिजल्ट कैसा आया है। स्किन में जितना टैन था वो क्लियर हो गया है, रिमूव हो गया है, स्किन ब्राइट दिख रहा है, तो इसका रिजल्ट काफ़ी हद तक अच्छी आई है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।